भाई हंड यार, एक बात बताओ, क्या थॉर लव एंड थंडर क्रिस हेम्सवर्थ की लास्ट मूवी होने वाली, उसके बाद वो थॉर का रोल नहीं करेंगे? आपका क्या कहना है? एक मेरा दोस्त है, उसने थॉर के फैन से पूछ लिया था कि क्या थॉर लव एंड थंडर थॉर की लास्ट मूवी होने वाली है। उसके बाद थॉर के फैंस ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया था, मतलब भाई थॉर लव एंड थंडर थॉर की लास्ट मूवी होने वाली है ना, ये थॉर के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे पॉसिबल है? चलो आराम से बैठ कर इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि थॉर लव एंड थंडर थॉर की लास्ट मूवी होगी? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है क्योंकि एक बंदा क्रिस हेम्सवर्थ वो पिछले 11 साल से यही रोल कर रहा है और पिछले 11 साल में थॉर की 8 मूवी की है उसने, जो कि कहीं से भी कम नहीं होती है। मतलब भाई अपनी लाइफ में 8 मूवी सिर्फ एक ही रोल पर, तो उसके बाद बंदा बोर तो हो ही जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है क्रिस हेम्सवर्थ के सभी फैंस के लिए। क्रिस हेम्सवर्थ ने अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि अगर उनको स्टोरी वो अच्छी मिलती है ना, तो उसके बाद वो फिर से थॉर के रोल में रिटर्न कर सकते हैं। तो हाँ, चांसेस है कि वो वापस आ सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग भाई वीडियो बना रहे कि थॉर मर जाएगा इस मूवी में। और वैसे भी भाई अगर देखा जाए तो थॉर अभी तक की सबसे लास्ट एवेंजर है, जो कि हमारे 5 एवेंजर्स थे उसमें से। पहले आयरन मैन की तो डेथ हो गई है, उसके बाद भाई कैप्टन अमेरिका संन्यास ले लिया पता नहीं चांद पे कि धरती पे, और उसके बाद ब्लैक विडो भी नहीं रही, और हॉकाई तो भाई लड़की बनाने में मस्त है। और थॉर के फैंस तो बहुत ही ज्यादा है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। लेकिन क्या मार्वल स्टूडियो सच में थॉर को मार सकता है इस मूवी में? तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और भाई अगर यार चैनल पर नए हैं ना, और अगर आप सुपर हीरो के फैन हैं, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, मतलब नहीं कर दो भाई यार, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इतने पसीने में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि मैं भी सुपर हीरो का बहुत ही तगड़ा वाला फैन हूँ। तो यानी कि अगर आप भी हैं तो एक फैन दूसरे फैन को सपोर्ट ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए मेरे को पता है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो भाई सबसे पहला जो डाउट था कि क्रिस हेम्सवर्थ थॉर की मूवी से बोर हो गए हैं और वो थॉर का रोल नहीं करेंगे, तो ऐसा तो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में क्लियर कर दिया कि नहीं, अभी वो बोर नहीं हुए हैं, अगर उनको अच्छी स्टोरी मिलती है तो वो फिर से थॉर के रोल में रिटर्न करेंगे। यानी कि भाई आधे चांसेस तो ऐसे ही बढ़ गए कि थॉर वापस आएगा। लेकिन क्या ये एमसीयू के लिए सही है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम से देख रहे हैं कि फीमेल सुपर हीरोज को एमसीयू ज्यादा एडवांटेज दे रहा है, और ज्यादातर जो अब हीरोज आ रहे हैं उसमें से फीमेल ही है, और जो पुराने थे उनको भी फीमेल में चेंज कर रहा है। जैसे कि थॉर का हीरो ले लो, अब मल्टी थॉर बनेगी अपनी जीन फॉस्टर। आप यहाँ पर खुद सोचो कि अगर मल्टी थॉर की कोई मूवी आती है इसमें थॉर का रोल प्ले करती है जीन फॉस्टर, और उसी मूवी में अगर होता है क्रिस हेम्सवर्थ भले उसका कैमियो हो, तो उसके बाद भी ज्यादातर जो फैंस है वो क्रिस हेम्सवर्थ को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे, ना कि जीन फॉस्टर को। यहाँ पर मार्वल के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं कि जीन फॉस्टर के साथ साथ क्रिस हेम्सवर्थ का भी थॉर आ जाए, खासकर जो अग्नि थॉर की मूवी आएगी उसमें। तो यहाँ पर मार्वल के पास सबसे बढ़िया मौका तो यही है कि क्रिस हेम्सवर्थ को एक मूवी दे दें, मतलब फेवरेट मूवी के नाम पर थॉर लव एंड थंडर, और उसके बाद उसी मूवी के साथ साथ अपने थॉर को निपटा दें। लेकिन क्या ऐसा मार्वल करेगा, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा डाउट है। लेकिन अगर आप लोग थॉर के तगड़े फैन है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। भले ही आप यूट्यूब पर देखते बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी वीडियोस, उसके बाद आप सोचोगे कि शायद थॉर की डेथ हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी थॉर की बहुत सारी स्टोरीज बाकी है मार्वल में। और अगर मार्वल डॉक्टर डूम को लेकर आता है कभी फ्यूचर में, तो उस टाइम पर अपना क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर तो होगा ही, मतलब डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। और भाई एक थॉर के फैंस के लिए इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि थॉर इस मूवी में बिल्कुल भी उसकी डेथ नहीं होने वाली है। भले ही यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरह थॉर के कैरेक्टर को, यानी क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के कैरेक्टर साइड कर दिया जाएगा अगले कम से कम 6-7 सालों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी आएगी थॉर की, उसमें क्रिस हेम्सवर्थ को दिखाएंगे ही नहीं, बल्कि जेन फॉस्टर के थॉर को दिखाएंगे, जिससे कि भाई जेन फॉस्टर को उसकी इंपॉर्टेंस भी मिल जाएगी और अपना क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर भी बच जाएगा किसी बड़े इवेंट के लिए, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम। तो आप लोग बताओ अपने ओपिनियन कमेंट में, और हाँ आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना इस वीडियो के कमेंट में, मतलब दो कमेंट कर देना यार। तो अगर अभी तक कि आप लोगों ने थॉर के टिकट बुक नहीं किए तो अभी जाकर बुक कर लो, वरना भाई टिकट पूरी खंडास हो जाएगी।